यमुनानगर के नहारपुर गांव में 11 साल की नाबालिग लड़की से गैंग रेप का मामला सामने आया है। लड़की जब बेहोशी की हालत में घर पहुंची तो परिवार वालों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। कुछ देर बाद लड़की ने पूरी आपबीती परिवार वालों को बताई, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने जेठाला थाने में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने यमुनानगर के सिविल अस्पताल में नाबालिग का मेडिकल कराया है। लड़की के पिता ने बताया कि 4 लड़कों ने हमारी लड़की को कार में ले जाकर गैंग रेप किया है। कुछ लड़के नहारपुर गाँव के है तो कुछ दूसरे गांव के है। पीड़ित परिवार ने दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग की है। जठलाना थाने के SHO जयसवंत सिंह ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर हमने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल दोषी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पीड़ित परिवार की तरफ से बाकायदा नामों के साथ पुलिस को शिकायत दी गई थी। फिलहाल देखना होगा पुलिस दोषियों को कब तक गिरफ्तार करती है और पीड़ित परिवार को न्याय दिला। सर क्या कुछ मामला हुआ सर, नाहरपुर की क्या मामला आया सर आपके सामने? ऐसा है जी, नाहरपुर में 19 को हमारे पास नूर बानो लेडीज आई थी, तो नाहरपुर की रहने वाली, तो वो कह रही भी मेरी लड़की है जियो 11 साल भाई, इसके साथ एक तो मेरा दामाद है सालू, एक मेरी लड़की है सुबाना और एक पावन संदीप वगैरह है, जो कार में ले गए थे और उसमें बिठा के उसको नशीला पदार्थ दिया और मेरी लड़की के साथ गलत कर दिया, जो इस संबंध में हमने मुकदमा दर्ज कर लिया था, मुकदमा नंबर 137 और इसमें धारा हमने 328, 506 और 6 पोस्ट एक्ट लगाई है, जिसकी जांच जिसकी तफ्तीश जो है सब इंस्पेक्टर पूछा कर रही है और कल इसका जो है हमने काउंसलिंग कराई है और इससे जो उसके बयान कराई है। कितने लोग सब शामिल है सर इस मामले? इसमें उन्होंने कल एक और अन्ना कहा है, लेकिन चारों के नाम, चार के नाम। हाँ जी, तो इस पर अब कार्रवाई की जाएगी सर? बिल्कुल शोर कार्रवाई की जाएगी, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई हो या छोटा सख्त से सख्त कार्रवाई आएगी। तो सर पोक्सो एक्ट बन रहा है क्योंकि 11 साल की उम्र की लड़की के साथ गलत हुआ है, तो उसके लिए बिल्कुल तो सख्त से किसी भी तरह की कोई ढिलाई नहीं होगी, कोई ढिलाई नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको श्योर करूँ। ठीक है, ठीक है।